हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बैंक अकाउंट क्या है और बैंक में अकाउंट कैसे खोलें, और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक खाता क्या है, बैंक में अकाउंट कैसे खोलें, और बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है, और आपको खाता खुलवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किस बैंक में खाता खुलवाने के क्या फ़ायदे हैं, और बैंक खाता खुलवाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, इन सभी बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बैंक अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा खाता जहां पर अपने पैसों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसमें जब हम अपने पैसों को डालने जाते हैं तो बैंक वाले लोग उन पैसों को डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पैसों में बदल देते हैं, जिसे वो हमारे खाते में जमा कर देते हैं, और इस प्रकार हम नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से अपने पैसों का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन पर पैसों का उपयोग कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में डाले पैसों को देख सकते हैं। बैंक अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। बात करें सेविंग अकाउंट की, तो यह अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अपने पैसे जमा करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर सकते हैं। इस खाते में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। बात करें करेंट अकाउंट की, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसों का लेन देन होता है तो आपके लिए करेंट अकाउंट ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें लेन देन की कोई लिमिट नहीं होती है और इस चालू खाते में आप जितने चाहें उतने लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका उपयोग आप बचत खाते के रूप में करते हैं, जहाँ पर आप अपने पैसों को बचा के रखते हैं। इस खाते का उपयोग आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। बात करें सेविंग अकाउंट के प्रकार की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट। इन दोनों सेविंग अकाउंट को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से खुलवा सकते हैं। बात करें इंडिविजुअल अकाउंट की, तो ये खाता कोई भी एक व्यक्ति खुलवा सकता है, जिसकी मदद से वह बैंक की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, और वह अगर चाहे तो अपने खाते के लिए एक नॉमिनी भी रख सकता है, जिससे उसकी मौत के बाद उसके खाते का पैसा उस नॉमिनी को मिल जाएगा। बात करें जॉइंट अकाउंट की, तो यह खाता दो या दो से अधिक लोगों के लिए खोला जाता है, जिसे दोनों ही लोग उपयोग कर सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट में किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद दूसरा उस खाते को चला सकता है। इस प्रकार से खाते माता पिता अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने माता पिता के साथ खुलवा सकते हैं। बैंक में और भी कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिन खातों पर अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जाती है। जैसे किसी सीनियर सिटीजन को बचत खाते पर ब्याज ज़्यादा दिया जाता है और उसे बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज कम लिया जाता है। इसी प्रकार अन्य खातों में अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, बात करें करेंट अकाउंट की यानी कि चालू खाता की, तो चालू खाता वह खाता होता है जिसे व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए खुलवाया जाता है, जिसमें आपके ट्रांजेक्शन पर कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितने ट्रांजेक्शन चाहें उतने कर सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले में कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं जिनका उपयोग करके आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके पास पैसों का ज़्यादा लेन देन होता है, तो आप एक करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन करने की छूट मिलती है। दोस्तों, करेंट अकाउंट एक व्यक्ति भी खुलवा सकता है और एक संस्था भी। अगर आप खुद से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपने नाम पर एक चालू खाता खुलवा सकते हैं, और अगर आपकी कोई कंपनी है या कोई संस्थान है जहां पर पैसों का ज़्यादा लेन देन होता है, तो आप अपने संस्थान के नाम पर भी खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपकी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप आईडी कार्ड के तौर पर अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की एक कॉपी दे सकते हैं। आपकी दो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। आपके एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड या बिजली के बिल की एक कॉपी दे सकते हैं, और इसके साथ आपके पैन कार्ड की भी ज़रूरत होती है।
बस आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना खाता खुलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक KYC यानी कि नो योर कस्टमर का एक फॉर्म भरना है और उसमें आपको अपने बारे में जानकारी देनी है और जानकारी भरने के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी साथ में देनी है और बैंक द्वारा निश्चित की गई जमा राशि को बैंक में जमा करना है ताकि आपका खाता एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपना खाता खुलवाने के लिए बैंक का चयन करता है तब उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि कौन से बैंक में अपना खाता खुलवाएं, क्योंकि भारत में कई सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं। देखिए, किसी भी बैंक में खाता खुलवाने से पहले आपको उस बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि आपको उस बैंक अकाउंट में कितना ब्याज मिलेगा, आपको उस खाते में कम से कम कितना पैसा रखना होगा, बैंक आपको क्या सुविधाएं दे रहा है और वह बैंक एक ट्रस्टेड बैंक है या नहीं। बस इन सब बातों के बारे में जानकारी लेने के बाद आपको तय करना होता है कि आपको कौन सा बैंक में सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे रहा है और आपको किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। दोस्तों, बात करें बैंक अकाउंट के फ़ायदे की, तो देखिए, जब भी आप किसी बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाते हैं तब आपको वह बैंक कुछ सुविधाएं देती हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसके बदले में बैंक आपको मंथली, क्वार्टरली और एनुअली ब्याज देती है। पैसों का उपयोग किए बिना आपको लेन देन करने की सुविधाएँ देती हैं, जैसे कि चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग और पूरे भारत में कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने बैंक खाते से पैसे निकालकर उपयोग करने की सुविधा देती है, जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड। और अगर आप बैंक के दिए गए नियमों का पालन करते हैं तो वो आपको उधार पैसों का इस्तेमाल करने की भी सुविधा देती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। और इस तरह आपको और भी कई सारी सुविधाएँ देती हैं जिनके बारे में आप जानते तक नहीं हैं। दोस्तों, ये सारी सुविधाएं बैंक आपको फ्री में नहीं देती है, इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन फी, इंटरेस्ट इत्यादि। दोस्तों, बात करें सबसे ज़्यादा ब्याज कौन सा बैंक देता है, तो देखिए, आसान सी बात है कि जब आप अपना पैसा बैंक को देते हैं तो बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल करती है और उसी पैसों को 10-15% और उससे अधिक के ब्याज पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को लोन देती है। और इसके बदले में व्यापारी बैंकों को ब्याज देते हैं और बैंक हमें उसी ब्याज में से 4-5% ब्याज देती है। अब आपके बैंक आपको कितना ब्याज देती है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, क्योंकि RBI ने अब सभी बैंकों को ये छूट दे दी है कि वह अपने अनुसार ब्याज दर तय कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना बैंक खाता क्या है और बैंक में अकाउंट कैसे खोलें, और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।